आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड जाएंगे, 2 दिन के दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आपको बता दें बड़ी खबर है उत्तराखंड से, जहां पर देहरादून हल्द्वानी में कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। 20-21 अगस्त को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कई मामलों को लेकर चर्चा करेंगे और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वो पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और इसी खबर पर एक बार फिर से रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित जी, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ तैयारियां हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर? काफी समय से प्रस्तावित था, जिसको लेकर अंतिम उसका रूप दे दिया गया है। अब आगामी 20 अगस्त और 21 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड आएंगे और साथ में गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून में वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ एक चुनावी रणनीति को लेकर तमाम चिंतन मंथन करेंगे और कुमाऊं क्षेत्र में हल्द्वानी में वो चिंतन मंथन करेंगे। और इस चिंतन मंथन में 12 ऐसे कार्यक्रम हैं जो प्रस्तावित हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के। तो बीजेपी का आगामी 2022 के चुनाव को लेकर ये जो जेपी नड्डा का दौरा है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अब एक तरह से मानिए कि चुनावी जुबुल है वो बढ़ चुका है और आने वाले समय में हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा वो तैयारियों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा हो सकता है। शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर। अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।